कुछ ही दिनों पहले ही G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी डेमोक्रेसी, हमारी डेमोग्राफी और हमारी डिप्लोमेसी की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज के ही दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ऐसी अनेक उपलब्धियों के आत्मविश्वास से भरा भारत आज 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत को एक मजबूत, निष्पक्ष, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का आधार चाहिए। मुझे विश्वास है इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इस दिशा में भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी देश एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से काफी कुछ सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो डीपली कनेक्टेड है। हर लीगल माइंड या इंस्टीट्यूशन अपने ज्यूरिडिक्शन को लेकर बहुत सचेत है, लेकिन ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर्स या ज्यूरिडिक्शंस की परवाह नहीं करती। और जब खतरे ग्लोबल है तो उनसे निपटने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। साइबर टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और इसके दुरुपयोग की भरपूर संभावनाएं हो, ऐसे अनेक मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इसके लिए अलग अलग देशों के लीगल फ्रेमवर्क को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा। जैसे हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मिलकर काम करते हैं, कोई देश ये नहीं कहता तुम्हारा तुम्हारा कानून तुम्हारे यहां, मेरा कानून मेरे यहां, जी नहीं, फिर किसी का जहाज उतरेगा ही नहीं। हर कोई कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स का पालन करता है। उसी तरह हमें अलग अलग डोमेन में ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना ही पड़ेगा।